अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको सालाना पेपर्स के बारे में बताऊंगा कि पेपर्स कब होंगे या नहीं। बिल्कुल सही वीडियो, एंड तक देखिएगा। ऐसी बहुत सी वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल हीरो 24 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक हमारी आने वाली वीडियो पहुँच सके। शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से तमाम इदारे बिल्कुल बंद और हुकूमत ने 31 मई तक छुट्टियों में तौसीह कर दी। वजीर आला तालीम ने भी ऐलान किया कि 1 जून तक कोई पेपर नहीं लिए जाएंगे। अभी सिर्फ 10th के पेपर हो गए हैं, वो भी 10th के प्रैक्टिकल अभी रहते हैं। 9th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के पेपर भी अभी रहते हैं। तो अगर इस वबा पर काबू पा लिया गया तो 2 जून से 9th के पेपर स्टार्ट होंगे, 12th जून को 10th के प्रैक्टिकल, 22 जून को सेकंड ईयर के होंगे और इसके साथ ही 7 जुलाई को फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे। आप अपनी तैयारी जारी रखें, पेपर लाजमी होंगे इस साल। आप मजीद मेहनत करते रहें, वैसे भी बहुत कम चांस हैं कि पेपर खत्म होने के, आपको अगली क्लास में प्रमोट कर देने के। ये हो ही नहीं सकता कि आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो काम हो रहा है मेरिट पर हो रहा है। आपके पेपर लाजमी होंगे, आपके पेपर कंबाइन भी लिए जा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के इकट्ठे, 9th और 10th के इकट्ठे, लेकिन बहुत कम चांस ऐसे हैं कि आपके पेपर नहीं होंगे, आपके अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। ये भी न्यूज़ आने में आई है कि आपके इकट्ठे दो दो पेपर भी लिए जा सकते हैं। पेपरों के दौरान कोई छुट्टी भी नहीं होगी। आप अपनी स्टडी पर तवज्जो दें, मजीद मेहनत करते रहें, आपके पेपर्स लाजमी होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही फेक न्यूज़ आ रही है कि आपके पेपर नहीं होंगे, आपके पेपर लाजमी होंगे। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि 2 जून से 9th के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, 12th जून को 10th के प्रैक्टिकल और 22 जून को सेकंड ईयर के पेपर होंगे और इसके साथ ही 7 जुलाई को फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे इस YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। लाइक करना ना भूलिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।